नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल हो जाती है। जब परीक्षार्थी बहुत ज्यादा होते हैं तो परीक्षा या तो दो पाली में कराई जाती है या फिर एक से ज्यादा दिन, मतलब कि दो दिन में भी परीक्षा होती है। तो दो या अधिक दिनों में होने वाली परीक्षाओं में क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाता है। इसे एक एग्जाम्पल के तरीके से आप ऐसे समझिए, मान लीजिए यदि कोई परीक्षा 10 और 11 दिसंबर को होनी है तो 10 तारीख को परीक्षा देने जो अभ्यर्थी आएंगे उनका मान लीजिए औसत नंबर 150 है, यानी कि 150 है, तो 150 में से 110 आया मान लीजिए, जबकि 11 दिसंबर को परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों का औसत नंबर 100 रह गया। तो ऐसे में क्या होता है कि दोनों दिन की परीक्षा के आधार पर छात्रों के नंबर जो है नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि 10 दिसंबर को 150 में से 110 औसत नंबर है और 11 दिसंबर को 150 में से 100 नंबर का औसत है, तो वो नॉर्मलाइज होकर के 105 के आसपास हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि छात्र परेशान क्यों है फिर, तो आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन में किसी एक दिन के परीक्षार्थियों का नंबर बढ़ जाता है और दूसरे दिन के परीक्षार्थियों का नंबर घट जाता है, या किसी एक पाली के परीक्षार्थियों का नंबर बढ़ जाता है और किसी दूसरी पाली के परीक्षार्थियों का नंबर घट सकता है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन से लोगों को परेशानी होती है। अभ्यर्थी इसी बात का विरोध कर रहे हैं। दरअसल इनका कहना है कि एक नंबर से अभ्यर्थी सेलेक्ट और रिजेक्ट हो सकता है, तो नॉर्मलाइजेशन लागू होने पर जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं उनको नुकसान होता है। हालांकि देखिए बीपीएससी की ओर से साफ कर दिया गया है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होने